अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन. इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड वेरी वेरी, यू नो, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड. बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स. एवरीवन फील रियली बैड अबाउट दीज वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस. इवन जब मैं छोटी थी, मुझे भी बहुत मुश्किल लगते थे. लेकिन क्योंकि हमें ये करने हैं और इससे हमारा माइंड शार्प होता है, इसलिए आपने इनसे घबराना नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. पेज है 21, क्वेश्चन है 1. लेट्स रीड विद मी. जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आपने भी ऐसे ही पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, आई विल हेल्प यू ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, सो आपने परेशान नहीं होना. अ कंपनी डोनेट 935 पेंसिल्स टू अ स्कूल. द पेंसिल्स आर डिवाइडेड इवनली अमंग 9 क्लास रूम्स. क्या समझे आप? इसमें लिखा है कि एक कंपनी है जिसने डोनेट की है 935 पेंसिल्स एक स्कूल को. उस स्कूल ने 9 क्लासरूम्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सारी पेंसिल्स को, और जो बाकी पेंसिल रह गई हैं वो उन स्कूल वालों ने लाइब्रेरी को दे दी हैं. ठीक है, नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन फॉर अस? दैट्स द जस्ट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है ये इन्फॉर्मेशन है. अब हम पढ़ रहे हैं कि हमें फाइंड क्या करना है. राइट, सो हाउ मेनी पेंसिल वर डोनेटेड टू ईच क्लासरूम एंड द लाइब्रेरी. अब द क्वेश्चन इज ओवर. अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? वेरी केयरफुली इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है. क्या पूछा जा रहा है कि 935 पेंसिल्स में से कितनी पेंसिल्स क्लासरूम्स में गई और कितनी पेंसिल लाइब्रेरी में गई. ठीक है, हम क्या करेंगे? हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे लाइक दिस. 935 डिवाइडेड बाय 9. जब हमने उसको 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है? 103. डिवाइड कैसे किया आप देख सकते हो. 919. ठीक है, जब हमने 9 में से 9 माइनस किया तो 0 आ गया. फिर हमारे पास नीचे 0 था, फिर हमने एक नंबर नीचे लेकर आए 3. अब 3 तो छोटा है, 9 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? हम 0 ऐड करेंगे क्वेश्चन में, मतलब ऊपर आंसर में 0 ऐड करेंगे और नीचे एक और नंबर ले आएंगे. हमने 5 भी ले लिया डिविडेंड से, 35 हो गया. अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 35 का कोई करीब तरीन नंबर आ जाए. तो हमने फील किया कि 93 जो होता है वो 27 होता है, एंड 94s आर मोर देन 35. दैट इज, व्हाट्स द आंसर? 36. यस, 94s आर 36 एंड 93 आर 27. सो द स्मॉलर वन इज 27. हमने 27 35 के नीचे लिख दिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया? 103 पेंसिल्स हमने डिवाइड कर दी हर क्लास में. ठीक है, और रिमेनिंग क्या रह गया? रिमेनिंग हमारे पास है 8 पेंसिल्स. ये 8 पेंसिल्स स्कूल ने लाइब्रेरी को दे दी. यू अंडरस्टैंड मी? हमारा क्वेश्चन भी यही था कि हर क्लास में कितनी पेंसिल्स गईं और लाइब्रेरी में कितनी गईं. तो 9 क्लासेस थीं, 9 क्लासेस में हर क्लास में 103 पेंसिल्स स्कूल ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और जो रिमेनिंग रह गई वो उन्होंने लाइब्रेरी में रखवा दी. दिस इज़ हाउ यू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम. अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी कि आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन एट द एंड कंक्लूजन आपको खुद फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. मरियम ओन्स 83 सेट्स ऑफ 504 कार्ड्स. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स?
Maryam owns. Okay. So see here on the board that 83 sets of greeting cards. How many sets? 83 sets. Each set has exactly 504 cards. Okay. Take a pause. How many pack we have? हमारे पास कितने पैक्स हैं? 83 पैक्स हैं. उनके हर पैक में 504 कार्ड्स हैं. ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि क्वेश्चन क्या है हमारा. क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड मरियम हैव. ठीक है, अब हमें उन पैक्स के नंबर्स कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स भी पता होने चाहिए और पैक्स कितने हैं उनके नंबर्स भी पता होने चाहिए. तो हम उसके अंदर हैं, 504 कार्ड्स, 83 पैक्स हैं. सिंपली हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 83 को हम जब 504 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका सलूशन आ जाएगा कि मरियम के पास टोटल कार्ड्स कितने हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. ताहा हैज 6 बॉक्सेस ऑफ मार्कर्स. ईच बॉक्स हैज 19 मार्कर्स इन इट, सेम लाइक मरियम. सेकेंड क्वेश्चन में मरियम हम के पास कार्ड्स थे और बॉक्सेस थे, इसी तरीके से अभी ताहा के पास बॉक्सेस ऑफ मार्कर्स हैं और हर बॉक्स में 19 मार्कर्स हैं. अगर वो एक मार्कर सेल आउट करता है 8 रुपीस का तो उसके पास कितने पैसे बनेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास. अब आप इसमें नोटिस करो कि इसमें एक पार्ट नहीं है, इसमें 2 पार्ट्स हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले उसके पास टोटल मार्कर्स कितने हैं. ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन का वो है 6 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में 19 मार्कर्स हैं. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कि उसके पास मार्कर कितने हैं. फिर हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर वो एक मार्कर 8 रुपीस का बेचता है तो उसके पास कितने मार्कर होंगे. ठीक है, सो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 6 बॉक्सेस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 19 से, तो हमारे पास कितने मार्कर आ गए, 114 मार्कर्स. ताहा ने एक मार्कर, अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, 114 मार्कर्स. सेकेंड पार्ट है कि उसने कितने के बेचे, एक मार्कर उसने 8 रुपीस का बेचा, तो हम सिंपली 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 114 से. ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 114 का मतलब है कि हम रुपीस फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, 8 रुपीस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आता है 912 मार्कर्स, रुपीस ऑफ मार्कर्स. ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 114, तो हमारे पास अर्निंग आ जाएगी रुपीस 912, वो कमा लेगा उन मार्कर से. 4 क्वेश्चन पे आ जाएं. फोर क्वेश्चन है, हामिद ट्रेवल 6760 माइल्स टू जापान. ही रीड वन बुक एवरी 450 माइल्स ही ट्रेवल. इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको, उसे हामिद ने टोटल कितने माइल्स ट्रेवल किया, 6760. ठीक है, और उसने एक बुक ख़त्म की है 450 माइल्स पे. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि हामिद ने जापान पहुंचने तक कितनी बुक्स ख़त्म की. ठीक है, सो सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे. क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 6760 डिवाइडेड बाय 450. ठीक है, यस, सो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा नियर 15. ओके, ये आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है. ये 4 क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे. ओके, सो बाकी क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे. आप लोग ट्राई करें कि आप 5th और 6th भी घर पे करें, सॉल्व करने की कोशिश करें. ये आपका होमवर्क है. अगर आपसे नहीं होगा हम इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कस करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी टीचर आपको कॉल करेंगी, आपने उनको अपनी अपडेट देनी है. तब मैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी. अल्लाह हाफिज़.